जीएनयू प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम दी 8th क्लास दी मैथ दी न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.2 ते इस एक्सरसाइज दे अगले दो क्वेश्चंस 4th एंड 5th इस वीडियो विच असी करांगे। तुसी वीडियो नु बड़े ध्यान दे नाल सुनो, देखो ते समझो। सॉल्यूशंस नु अपनी नोटबुक विच कॉपी डाउन कर लो, पर बाद विचों क्वेश्चंस नु बिना देखे अपने आप करन दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो शुरू करिए। अगे वधन तो पहले प्यारे विद्यार्थी दस दवा इसी चैनल पर थोड़ी 8th क्लास नाल एसोसिएटेड कुछ होर प्लेलिस्ट भी है ने, तुसी वो भी जरूर देखो। एक हैगी 8th मैथ नोट्स, फिर हैगी 8th साइंस, 8th इंग्लिश, 8th ग्रामर, एक हैगी मैथ कॉन्सेप्ट्स, एक हैगी मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। सो देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते कंप्लीट दी टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मैंने मतलब कि असं मल्टीप्लीकेशन करना है। इस कॉलम वाले नू यह जरा रो है, रो है इस कॉलम के नाल गुणा करना है। यानी कि देखो फर्स्ट मोनोमियल मतलब कि यह मोनोमियल दिते हुए वाले, तो सैकेंड मोनोमियल यह वाला है, यह कॉलम मोनोमियल्स का है, यह कॉलम यह रो मोनोमियल्स है, मतलब कि जोड़ा रो है फर्स्ट मोनोमियल्स है, तो कॉलम जोड़ा है सैकेंड मोनोमियल। यह मतलब है कि इतने की आएगा, यदा और इन गुणा करके आएगा मल्टीप्लाई 2 to the 4, तो माइनस साइन है -4xy। ए बच्चों पहले असी एक एक स्टेप करके किया, असी ऐसी ओरली कर सकते हैं, ए बड़ा सिंपल है। -5 into -2 कितना हो जाएगा +10, 10 आ गया, तो y into y कितना हो जाएगा y2। फिर 2 है, 2 into -2 हो जाएगा -4, तो x2 तो y, x2 y। फिर है -3 into -2 +6 हो जाएगा, तो xy है, तो इतने y एक है, y 2 बन जाएंगे, सो xy2। फिर इतने 7 है, 7 - 2 -14, ठीक है। फिर x2 तो y into y बन जाएगा y2। फिर अगर -9 into -2 हो जाएगा +18। फिर x2 तो इतने y2 पहले ही है, तो एक y होर ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा y3। इस तरह असं बच्चों कर सकते हैं। एक एक किताब इन कहने की लड़ नहीं हैगी, तुम इन सारे नोट डाउन कर लो, फिर तुम इन अप्लाई करके देखो। जिदा मैं तुम दस रहा, जिदा हम असं यह ले लें, चलो माइनस वाला -4xy। सो -4xy असं दो ना गुणा करना है 2x के नाल। सो 2 into -4 कितना हो जाएगा -8, यह आ गया, तो एक्स तो वाई, एक्स पहली है, सो x2y। फिर है -5y, ठीक है। सो -5 into -4 +20 हो जाएगा, एक्स तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा। हम इतने 2x2 है गया, सो 2 into -4 हो जाएगा -8, x2 है वाला, तो एक एक्स है जुड़ जाएगा x3 के नाल वाला वाई। सो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों मतलब कि करना, जिद हम इनू देख लीए, यह जो -5xy असी इतना करना गुणा है 2 के नाल, ठीक है। सो -3 into 2 हो जाएगा -6, x2 है, तो x3 बन जाएगा, तो यह y2 है, तो इतने एक वाई है, तो y3 बन जाएगा। सो इस तरह करके असी यह जो है यह मोनोमियल इस मोनोमियल के नाल गुणा करना है। सो जे मतलब जो इतने मान लो यह आ गया, तो यह इतना गुणा होगा, यह जो प्रोडक्ट है ये 7x2y के नाल -4xy गुणा करके आया है। इस तरह यह कॉलम जरा मतलब कि जो टेबल है इस तरह यह भरना है, ठीक है। आगे चलिए, हूँ आ गया बच्चों फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अगेन हमें 3 मोनोमियल है, असं 2 मोनोमियल किए हैं, 3 मोनोमियल। सो 1 2 3 यहाँ 6 पार्ट्स है। इस स्लाइड में अभी 3 पार्ट्स करा, अगली स्लाइड में अगले 3 पार्ट्स करा। सो 3x into 4x2 into -7 x3। सो न्यूमरल्स में जोड़े कोफिशियंट है उन्होंने सैपरेट कर लेने, 3 into 4 into -7, फिर ब्रैकेट पा के x into x2 into x3, ठीक है। सो 3 into 4 12, 12 into 7 84, तो यह माइनस साइन निकल है, सिंगल है, सो -84 हो जाएगा। तो यह पावर जो तुम्हें पता है बच्चों से कर चुके हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स के, वैन एवर एक्सपोनेंट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड दी पावर होंगे ऐड हो जाएंगी। सो यह बन जाएगा x रेज टू पावर 1, क्योंकि जिथे कोई पावर नहीं लिखी होंगी वो पावर 1 होंगी है, ठीक है। सो 1 + 2 + 3, ठीक है। सो यह बन गया -84, तो 1 2 3 3 6, -84 x रेज टू पावर 6, यह साडा आ गया आंसर, ठीक है। अगला देखिए, हूँ आ गया 2zx into 3y into 4z। सो 2 into 3 into 4 यह कोफिशियंट अलग कर लें, तो zx into y into z, सो बचो x y ते z 2 आ गए ने, सो बन जाएगा z2 ते 2 into 3 6 into 4 24, 24 x y z q स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला आ गया बच्चों, ए देखो a by 2 है ना, a by 2 b by 2 c by 2,
सो इसी जानते हैं बच्चों कि वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस, की खरीदा है, यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स विद न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर्स विद डिनोमिनेटर्स। सो ए न्यूमरेटर ए हैगा, एदा बी हैगा, एदा सी हैगा, सो बन जाएगा ए इंटू सी, ते डिनोमिनेटर अगेन 2 3 4, सो 2 इंटू 3 इंटू 4 ए बन जाएगा ए बी सी, 2 3 द 6, 6 4 द 24, ए बी सी अपॉन 24 इज अवर आंसर। ठीक है, अगले थ्री पार्ट्स देखिए, कौन आ गया बच्चों, ए बी इंटू ए बी सी इंटू ए बी सी डी, सो इस दम बन जाएगा, इन्हें इदा करके लिख लेंगे क्योंकि हम साढ़े कोई कोफिशियंट नहीं है न्यूमरल, ठीक है ना, सारे का कोफिशियंट एक है। सो बच्चों ए दो ते तीन बार आ रहा है, देखो ए रेस्ट पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू बी 1 2 3, सो 1 प्लस 1 प्लस 1, सी भी है किन्नी बार आ रहा है, एक ते दो बार आया 1 प्लस 1, ते डी कल्ला एक बार आया, ठीक है ना, सो यह बन जाएगा ए रेस टू पावर 3, बी रेस टू पावर 3, ते सी रेस टू पावर 2, ते कल्ला आ गया डी, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सो ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर डी। ठीक है, अगला आ गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3 इंटू 9 y² z इंटू -8 z² x, सो हम ऐसी ले लेने हैं कोफिशियंट्स को सेपरेट कर लेने हैं, सो ए अपॉन 3 का मतलब है 1 अपॉन 3, सो 1 अपॉन 3 इंटू ए 9 इंटू -8। ठीक है, ते ब्रैकेट पा के जड़े अपने है ने न्यू अपने वेरिएबल्स उन्होंने लिख लेने हैं, एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, हुण ए 3 दे नाल 9 कट्टांगे ते 3 आ जाएगा, सो 3 इंटू -8 किन्ना आ जाएगा, -24, 3 3 दा 9, 3 इंटू 8 -24। ठीक है, सो -24 आ गया, सो एक्स स्क्वायर है, सो एक एक्स वाला है, एक्स क्यूब हो जाएगा, ए वाई है, एक वाई स्क्वायर वाला है, सो 1 प्लस 2 y³ हो जाएगा, एक जेड है तो जेड स्क्वायर है, सो 1 प्लस 2 इज 3 z³ हो जाएगा, सो एक्स आंसर आ जाएगा -24 x³ y³ z³। जिस तरह पावर्स मैं इतने ऐड की हैं, तुसी ए स्टेप भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, कोई आंसर एदा गलत नहीं मनिया जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है, 1 ए प्लस 2 मतलब एक सिंगल पावर है तो स्क्वायर है, तो रिजल्ट होएगा y³ x² इंटू x इज x³, z इंटू z² इज z³। ठीक है, अगला आ गया -3 pq इंटू 4 p² x² सो इनू अलग कर लेने कोफिशियंट नू, -3 इंटू 4 ब्रैकेट पा के इंटू पी क्यू इंटू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो 3 इंटू 4 12, तो एक माइनस साइन है, सो -12, फिर आ गया पी, तो इतने पी स्क्वायर है, सो की बन जाएगा बच्चे पी क्यूब आ जाएगा, फिर क्यू है तो कला क्यू है, सो कला क्यू आ जाएगा, फिर आ गया एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, सो -12 pq x² इज अवर आंसर। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस 4 एंड 5, तुसी इसी तरह नेम नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई रब राखा, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।